क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पिवट टेबल। जी हाँ, पिवट टेबल का यूज हम करेंगे। पिवट टेबल जो कि एक्सेल में भी यूज होता है, डैशबोर्ड में भी यूज होता है, और साथ में आपको पावर बीआई या टैबलू का भी बेसिक आर्किटेक्चर जो है वो पिवट टेबल ही है। सबसे पहले पिवट टेबल के बारे में जानते हैं कि पिवट टेबल क्या करता है। उससे पहले हम थोड़ा सा रिपोर्ट्स के बारे में जान जाते हैं। आप जो डेली बेसिस में रिपोर्ट बनाते हैं, चाहे जिस तरीके से बनाते हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? समरी ऑफ द डेटा। किसी डेटा को किसी एक कैटेगरी के, जैसे मंथली रिपोर्ट है तो मंथ के हिसाब से आपका डेली डेटा को समरी किया गया, ईयरली है तो ईयर के हिसाब से, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली के हिसाब से, आखिर में होता तो किसी न किसी डेटा को समरी ही है ना। तो पिवट टेबल का यूज भी हम करते हैं डेटा को समराइज करने के लिए, क्योंकि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के इसमें हेल्प में जाएं, इसके हेल्प में, और पिवट टेबल की डेफिनेशन को पढ़ें, तो सिंपल से लिखा हुआ है कि वी कैन यूज द पिवट टेबल फॉर रियलाइज द डेटा, समराइज द डेटा एंड रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा। तो चलिए हम बात करते हैं आपकी पिवट लगाने से पहले, चाहे पिवट हो, फिल्टर हो या शॉर्टिंग हो, आप लगाते हो, सबसे देखना होता है कि डेटा शॉर्ट, कि डेटा जो शॉर्ट है, सॉरी डेटा सिलेक्शन, हमारी डेटा की जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन करना जरूरी है या जरूरी नहीं है, मेन चीजें आपको ये जाननी होगी। तो ये डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर। अगर डेटा में बिल्कुल रो ब्लैंक है तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने बिना सिलेक्ट किए तो एक कंट्रोल है, मतलब कि करंट रीजन पे चलता है और आपका सिर्फ ब्लैंक से ऊपर का डेटा ही सिलेक्ट करेगा। अगर बीच में कोई पूरी तरह से रो ब्लैंक होना चाहिए, मान लीजिए एक नाम यहाँ डाल दिया हमने, तो अब ये पूरा सिलेक्ट करेगा क्योंकि करेंट रीजन के अंदर में आ जाएगा। पूरी की पूरी रो या पूरी की पूरी कॉलम आपकी ब्लैंक है तो फिर आपको डेटा को सिलेक्ट करके फिर पिवट लगाना चाहिए, नहीं तो हम यहाँ से डायरेक्ट पिवट लगाते हैं। तो यहाँ पिवट टेबल, और पिवट टेबल में आपको कुछ नहीं करना है, ओके कर दें। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे पास एक रिकमेंडेड पिवट टेबल होता है, ये 2013 ऑनवर्ड है, ये एक नया फीचर है ये उनके लिए जो कि बिगनर है। जैसे कि मैंने इस पे क्लिक कर दिया रिकमेंडेड पिवट टेबल पे, तो आप देखेंगे कि मेरे डेटा को एनालाइज करके इस बता दिया कि इसमें कौन कौन से किस तरह के पिवट लगेंगे। अब आपकी पिवट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, न्यू शीट में पिवट अप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये फीचर जो है किसका है, 2013 ऑनवर्ड है, 7 वगैरह में नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे अपने हिसाब से पिवट लगाना है, मैं सिस्टम की इस पे ऑटोमेशन पे डिपेंड नहीं कराना चाहता हूं, तो पिवट टेबल पे क्लिक करें, एक ओके कर दे, एक न्यू शीट में आपको आ जाएगा। बेसिकली पिवट टेबल कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे रिपोर्ट एरिया है और ये आपके यहाँ पे फिल लिस्ट है और ये आपके चार खाने हैं, बस आके इन चारों में रखना है, रिपोर्ट उसी हिसाब से बनता चला जाएगा, ओके। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि पिवट टेबल समरी देता है, डेटा नहीं देता है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रिपोर्ट देते हैं, बोलते हैं कि मुझे इस पे पिवट लगाना है, मुझे इसको ऐसा लगाना, डिमांड करते हैं, वो एक्चुअली एक तरह से डेटा ही होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ नेम को रो फील्ड में उठा कर रखा तो नेम यहाँ वन टाइम आएगा, बट डेटा ना आपका यहाँ पे कई बार होगा, तो यहाँ पे समरी देता है। तो पिवट को लगाने से पहले आप पहले डेटा को समझना होगा, याद रखिएगा, क्योंकि आप डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं तो डेटा की प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, डिमांड सब होना, पता होना चाहिए कि आखिर क्या है और किस तरह का डेटा है, तभी तो आप एनालिसिस कर पाएंगे। तो जो डेटा आपके सामने दिख रहा है, ये डेटा एक सेल्स का डेटा है, जिसमें सेल्स की आईडी है, डेट है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर डिटेल्स की सिटी वगैरह में, प्रोडक्ट डिटेल्स है, इसकी क्वांटिटी है, और ए इसकी एमआरपी है, टोटल है, टैक्स है, टोटल इतना से सेल्स की डेटा है। अब मुझे इसमें से चाहिए, सबसे पहला रिपोर्ट चाहिए कि प्रोडक्ट के हिसाब से कितनी क्वांटिटी सेल की गई है। तो हमने क्या किया, जो हमने पिवट लगाया अभी, इसमें हमने नेम को हटाता हूँ, मैं प्रोडक्ट को उठा के रो में रखता हूँ,
हम रो में क्यों रखें, हम इसको कॉलम में भी रख सकते थे, लेकिन फिर आपका कॉलम वाइज डेटा आएगा, इसलिए हम इसको रो में उठा के रखते हैं। ओके, रो में उठा के यहाँ पे हम रखते हैं, और क्योंकि रो वाइज आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्वांटिटी को उठाते हैं, क्वांटिटी नहीं, जो भी वैल्यू जिस पे टोटल में से कैलकुलेशन करना, वो वैल्यू वाले फील्ड में आएगा। अगर आपके कॉलम में नंबर हुआ तो बाय डिफॉल्ट सम ले लेगा, और टेक्स्ट हुआ तो बाय डिफॉल्ट काउंट ले लेगा। लेकिन आप अपनी चेंजिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पे डबल क्लिक करके भी चेंज कर सकते हैं, या फिर आप जो है यहाँ इस पे भी डबल क्लिक करके, इसकी साइड में क्लिक करके यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कि सम के जगह पे काउंट वगैरह जो भी चाहिए वो आप ले सकते हैं। ओके, अब बात आती है कि क्या रिपोर्ट ऐसे ही भेज दे? जी नहीं, आप पिवट में फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग में, अब जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग आप करते हैं, और नॉर्मल फॉर्मेटिंग तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल फॉर्मेटिंग नहीं करना चाहता हूँ। रीजन, क्योंकि नॉर्मल फॉर्मेटिंग नॉट ए पार्ट ऑफ अ पिवट। करके डेट में डेटा रिफ्रेश होता है, आपका ऊपर नीचे होगा तो ये अपने आप को चेंज कर लेगा। मतलब कि आपकी फॉर्मेटिंग, अभी मान लीजिए मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की 11 तक, कल के डेट में डेटा बढ़ के 15 हो गया, तो फिर वो 4 को फॉर्मेट नहीं करेगा, क्योंकि पिवट का फॉर्मेटिंग पिवट का पार्ट थोड़ी है, तो बेसिक है, नॉर्मल है। तो इसके लिए आप यहाँ पिवट टेबल पर, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको पिवट टेबल टूल्स दिखेगा, उसी में आपको यहाँ पे डिजाइन दिखेगा। अब डिजाइन में आपके सामने बहुत सारे पिवट्स हैं, उसका यूज कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं विजुलाइजेशन की, क्या इस पे कुछ इस तरह से भेजें, कुछ और भी कर सकते हैं? हाँ, इस पे करना चाहते हैं तो पिवट एनालिसिस में, या फिर जहां इंसर्ट में चार्ट लगाते हैं उसी पे जाके पिवट चार्ट, या चार्ट पे क्लिक करके जो चार्ट चाहिए वो चार्ट अप्लाई कर सकते हैं आप, और इसको अपनी रिपोर्ट में यूज कर सकते हैं, और ये डेटा से कनेक्टेड है। अब एक बार यहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है सम ऑफ क्वांटिटी, मुझे यहाँ पे अपने हिसाब से देना है, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट देना चाहता हूँ, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, प्रोडक्ट एंड टोटल। चेंज किसको क्यों कर सकते हैं? चेंज हर चीज को कर सकते हैं, सिर्फ आप अपने नंबर्स को चेंज नहीं कर सकते, समझ गए? किसको चेंज नहीं कर सकते? तो सिर्फ नंबर को चेंज नहीं कर सकते, नंबर टोटल हो क्या आया, बाकी आप इस सी डी है, एम बी है, डी आर टी है, कुछ भी है, उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अब मुझे तो यहाँ सर, पे मतलब यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट बोले, सर जैसे यहाँ पे आ रहा है कि प्रोडक्ट डीवीडी, तो डीवीडी में चेंज कर सकता हूँ हाँ, इरिस्पेक्टिव की डेटा में डीवीडी लिखा है, मैं यहाँ पे मतलब ये एलसीडी लिखना चाहूँ, वो डेटा वही होगा? वो डीवीडी का ही टोटल लेगा, बस यहाँ पे विजुअल चेंज कर देगा वो, आपका डेटा थोड़ी चेंज करेगा, डेटा तो आपका डीवीडी है, ये डीवीडी को पेन ड्राइव की तरह करेगा। अच्छा, तो सर मान लो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, मान लो कि महीने 2 महीने के बाद मैं देख रहा हूँ, तो मुझे याद रहेगा नहीं, मुझे कैसे पता लगेगा कि इसमें वही है डीवीडी का डेटा ही है? सिंपल सा है, क्लिक करें। दिख गया, डबल क्लिक करते हैं आपके सीट में इसकी पूरी डेटा को कॉपी करके पेस्ट कर देगा, आपको पता चल जाएगा किसका डेटा है। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। चलिए, अच्छा किसी का बैकग्राउंड शोर आ रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज म्यूट कर दें, क्योंकि तो यूट्यूब पे जाएगी रिकॉर्डिंग तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। अब इसमें हम बात करते हैं पिवट, एक बार और पिवट इस पे लगाते हैं, या अब यहां पे मान लीजिए कि मुझे चाहिए प्रोडक्ट वाइज, मैं दो कटेगरी, अभी मैं अभी जो हमने निकाला प्रोडक्ट वाइज टोटल निकाला, मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे के हिसाब, प्रोडक्ट वाइज टोटल और भी बहुत सारी चीजें चाहिए, तो आप यहाँ पे वन बाय वन रख सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे क्वांटिटी का टोटल चाहिए, मुझे यहाँ अमाउंट का टोटल चाहिए, या मुझे टोटल का टोटल चाहिए,
मुझे यहाँ पे ग्रांड टोटल टोटल चाहिए, तो ऐसे आप रखेंगे। तो देखिए जैसे आप दो फील्ड रखेंगे आपको यहाँ पे एक वैल्यू का ऑप्शन दिख जाएगा। वैल्यू मतलब क्या हुआ कि आपके जो जो भी टोटल्स हैं फील्ड्स हैं वो कॉलम वाइज रखते जा रहे हैं। अब इस वैल्यू को उठा के आप जो है रो में रख देंगे तो आपका रो वाइज हो जाएगा इस तरह से डेटा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे रखें, ये चीज यही बताना था आपको मुझे। और जैसे मैंने हटा दिया एक साथ जितने भी थे सारे हट गए, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे दो फील्ड का अकॉर्डिंग चाहिए, मुझे प्रोडक्ट वाइज और नेम वाइज टोटल चाहिए। तो मैंने नेम को यहाँ पे रखा और मुझे क्वांटिटी का यहाँ टोटल हमने कर दिया। तो इस तरह का डेटा आपके सामने दिख गया। अब इसमें यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, ये जो यहाँ पे रो लेबल करके आ रहा है इसके जगह पे मैं प्रोडक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे कॉलम लेबल आ रहा है तो यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्स पर कस्टमर नेम। इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सम ऑफ क्वांटिटी तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल सेल्स रिपोर्ट, ये आपका हेडिंग होता है, ठीक है। लेकिन हमने अभी उठा के कॉलन में अपने अपने नेम को कॉलन में उठा के रखा, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। नेम आपके पास चलिए 8-10 है तो आपने उठा के रख दिया। जैसे मान लीजिए आप पे सिटी दिख रहा है मुझे आपका, तो हो सकता है मेरे पास 500, 700, 1500, 2000 सिटी हो या ज़्यादा सिटी हो। तो उस केस में आपका रिपोर्ट थोड़ा सा दिक्कत होगा। ज़्यादा सिटी होगा तो एक तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ज़्यादा सिटी हुआ तो दिक्कत होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे सिटी को उठा के रखता हूँ, तो ये ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सा क्या है कि देखने में हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा इस तरह से वर्टिकली, और प्रिंट आउट वगैरह निकालना है तो वहाँ पे प्रिंट आउट वगैरह सही से नहीं आएगा। तो हम लोग वर्टिकली स्क्रॉल में हम हॉरिजॉन्टली लोग हम लोग ज़्यादा स्क्रॉल करना पसंद करते हैं ना कि वर्टिकली। तो उस केस में हम इसको यूज क्या करेंगे, उस केस में हम सिटी को उठाएंगे और प्रोडक्ट के नीचे रख देंगे, या फिर मान लीजिए नेम को उठाता हूं मैं और हमने प्रोडक्ट के नीचे रख दिया। अगर प्राइमरी प्रोडक्ट है तो नहीं, प्राइमरी आपका नेम है तो हम नेम को ऊपर कर देंगे और प्रोडक्ट को नीचे कर देंगे। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी आप अपने हिसाब से कर लीजिए, ये आपके सामने टोटल दिख जाएगा। अब इसमें यहाँ पे देखिए एक प्लस माइनस का निशान है, अगर मैंने इस पे प्लस किया तो कोलैप्स एक्सपेंड बोलते हैं, तो इस तरह से आपको फिल्टर हो जाएगा। आप एनालाइज में जाएंगे तो यहाँ पे आपके सामने प्लस माइनस का होगा, अगर कोलैप्स करेंगे तो सारा कोलैप्स हो जाएगा, एक्सपेंड करेंगे तो एक समय सारा एक्सपेंड हो जाएगा। एक तरह से ये आ जाता है रिपोर्ट ऑफ द रिपोर्ट, समरी ऑफ द समरी आपके सामने। आपके पास बहुत सारे डेटा पिवट पे भी बहुत सारे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे आते जा रहे हैं, तो उस केस में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ओके सर, यस सर, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। और जैसे मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया यहां से, अब एक्सपेंड करने के बाद बात चली कि अभी चलो आपको रिपोर्ट को इसको एज ए पिवट टेबल किसी को रिपोर्ट देना है तो गुड, लेकिन क्या है कि जनरली हम लोग रिपोर्ट को पिवट टेबल के जरिए नहीं भेजते हैं, हम उसको कॉपी करते हैं, एक डेटा पे ले जाते हैं, पेस्ट करते हैं और भी बहुत सारे एडिशनल कैलकुलेशंस करते हैं, देन हम भेजते हैं। तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जनरली जाहिर सी बात है मैं पेस्ट करूँगा, तो इसमें इसमें अभी चलो पेस्ट कर दिया तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन मान लीजिए कि जनरली वैल्यू पेस्ट करते हैं, अगर मैं वैल्यू पेस्ट कर दिया तो आप देखेंगे कि अब पूजा अब जैसे क्या बोलते हैं, अब मुझे नेम और सिटी के बीच में डिफरेंस निकालना मुश्किल है। तो उस केस में मैं चाहता हूं कि मेरा जो है
दो अलग अलग फील्ड में हो, मतलब कि नेम पहले फील्ड में हो और सिटी बाबू अलग फील्ड में हो, तो उसमें दो तरीके, आप राइट क्लिक करें, यहाँ पे राइट क्लिक करें, पिवट टेबल ऑप्शन पे चले जाएं, और यहाँ पे आपका विजुअल लेआउट है, डिस्प्ले पे, सॉरी हाँ विजुअल नहीं, डिस्प्ले, डिस्प्ले पे आएंगे, यहाँ पे क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट दिख रहा है, इसको सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए, अलग अलग कॉलम में हो जाएगा। या फिर पिवट टेबल के डिजाइन वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो लेआउट के अंदर में यहाँ शो टेबुलर फॉर्म के अंदर रखेंगे तो टेबुलर फॉर्म में दिख जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ग्रांड टोटल ऐड हो रहा है, अब मुझे ग्रांड टोटल नहीं रखना या रखना है तो आप यहाँ राइट क्लिक करके इस पे टिक लगा है, मतलब कि है, अगर अनटिक कर दोगे तो नहीं रहेगा। दूसरा, जैसे कि मैंने बोला कि मुझे इसको कॉपी करके बाहर ले जाना है, तो वहां पे हमारा पिवट में दिक्कत होगा फिल्टर का, क्योंकि पिवट तो आप समझ पा रहे हैं कि पूजा है और ये सारा पूजा का डेटा है, लेकिन जब ये एक पेज पे कॉपी हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कि ये सिर्फ पूजा डीवीडी का हो जाएगा, इसका ब्लैंक हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि पिवट जो है रिपीट हो जाए इस पे, मतलब कि पूजा जो है रिपीट हो जाए, तो उसके लिए भी हम डिजाइन में जाएंगे और यहां से रिपीट ऑल आइटम लेबल कर देंगे तो यहां पे पूरा आपका रिपीट हो जाएगा। ठीक है सर, यस सर। अब मुझे कभी कभी जरूरत क्या पड़ती है, जो रिपीट हुई है उनके बीच में एक ब्लैंक लाइन देने की, तो यहां हम ब्लैंक लाइन कर देंगे इंसर्ट, ये आपका ब्लैंक लाइन इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ब्लैंक लाइन में इंसर्ट ना हो गया है, मुझे सबको रिमूव करके वापस नॉर्मल करना है, तो रिमूव ब्लैंक लाइन, डू नॉट रिपीट, मुझे यहाँ पे रिपीट नहीं, मुझे यहाँ पे मर्ज करना है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाऊंगा और सबसे पहला ऑप्शन आपका मर्ज का है, इसको सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ तो ये आपका मर्ज हो गया। ठीक है, बनाया। उसके बाद जैसे मैं बताया कि मुझे किस चीज की डिटेल में पता चला, मैं पता चला है कि पूजा ने डीवीडी का 280 सेल किया है, तो कैसे 280 सेल किया, मुझे इसका डेटा चाहिए, तो इसके डेटा वाले में जाके इसको फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस इस पे डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, एक नई शीट में कॉपी पेस्ट कर, इसका यूज हम लोग डेटा को कॉपी पेस्ट करने के लिए भी यूज करते थे। क्या था कि मेरे पास एक डंप डेटा आता था, मैं कॉल सेंटर में कॉलिंग का काम करता था, तो डंप डेटा आता था, उसमें जोन के हिसाब से मुझे टीम मेंबर्स को भेजने होते थे कि भाई नॉर्थ जोन के लिए कौन काम कर रहा है तो उसको नॉर्थ का डेटा भेज दो, साउथ में कौन कर रहा है तो साउथ में उसका डेटा भेज दो, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि हर बार हमें फिल्टर लगाना पड़ता था, उसमें साउथ जोन ही नहीं और भी बहुत सारे क्राइटेरिया था जिसपे फिल्टर हमें करना पड़ता था, तो हर बार मुझे उसको फिल्टर में ये हमें दिक्कत होती थी, हर बार मुझे इसका यूज करना पड़ता था फिल्टर का, तो हम क्या किए, इसका पिवट लगा लिए, जो जो फिल्ट्रेशन करनी है कर दिया और जस्ट हम डेटा पे डबल क्लिक करते थे और एक नई शीट में डेटा कॉपी पेस्ट हो जाता था। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये स्क्रीन हट गया। तो अब हम उसी फिल्ट्रेशन की बात करते हैं कि हाउ कैन फिल्टर द डेटा। तो हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ समराइजेशन, पिवट टेबल में हमने एक टॉपिक को खत्म किया, हाउ कैन समराइज द डेटा, हमने इसको खत्म कर लिया। अब हम बात करते हैं हाउ कैन फिल्टर द डेटा, समझे, तो मेरे सामने एक रिपोर्ट है, मुझे इसको फिल्टर करना है, तो फिल्टर रो कॉलन एंड पेज, तीन तरह के फिल्टर होते हैं, तो
तो हम पहले रो एंड कॉलम की बात करते हैं। जैसे यहाँ रो वाइज डेटा है हमारा, तो मुझे मान लीजिए इसमें दिल्ली एनसीआर का मुझे पिक करना है, तो आप यहाँ से अपने दिल्ली एनसीआर है जो भी है आपके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी हमें बिहार का चाहिए, हमें असम का चाहिए, टिक लगाएंगे तो सिर्फ उसी का डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा। ये तो मैनुअल हो गई फिल्ट्रेशन। दूसरा, यहाँ पे दो फिल्टर्स आप देख रहे होंगे, एक होगा फिल्टर लेवल फिल्टर, मतलब कि इस कॉलन में जो नेम है उसके अकॉर्डिंग फिल्टर लगाना है, उस पर कुछ कंडीशन देना है, तो आप यहाँ पे लेवल फिल्टर पे जाए। इक्वल डज नॉट इक्वल बिगेन बीथ, मैं चाहता हूँ इसका नाम बी से स्टार्ट है, चाहे नेशनल ट्रायोरिटी दिल्ली, एनसीआरटी दिल्ली, एनसीआरटी चंडीगढ़, तो एनसीआरटी वाले सारे आ जाए तो बिगेन बीथ एनसीआरटी, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कंटेन, अगर इसके वर्ड में कुछ वर्ड लगा हो, डू नॉट ग्रेटर दैन लेस दैन, ये जो चीज़ दिख रही है ये आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। लेकिन इसी में आपका डेटा है, तो डेटा के अकॉर्डिंग अगर आपको लगाना हो तो ये आपका वैल्यू फिल्टर है, जिसमें आप इक्वल डज नॉट इक्वल ग्रेटर दैन लेस दैन ग्रेटर दैन इक्वल टू लेस दैन इक्वल टू बिटवीन नॉट बिटवीन टॉप 10 ऐसे कंडीशंस को आप यहां ले सकते हैं। ओके, तो यहां पे क्लिक करेंगे आपका फिल्ट्रेशन हो गया। तो कॉलम फिल्टर समझ में आ गया आप लोगों को? हेलो, आई एम क्लियर। और किसी को डाउट है कॉलम फिल्टर पे? सॉरी, हाँ नहीं सर। रो फिल्टर से, कॉलम फिल्टर तो अभी बताया नहीं। हाँ, अब बात करते हैं कॉलम फिल्टर पे। जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम पे भी अपने प्रोडक्ट को रखा हुआ है, तो कॉलम में जाता है, तो हम इसकी भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे मुझे इसमें दो ही प्रोडक्ट चाहिए, तो हमने डीवीडी और एमबी ले लिया, एनओके किया, तो इसकी हमारी फिल्टरिंग हो गया। तो इसमें भी दो चीजें हैं, एक आपका लेवल है, तो आप जो इसके नेम है, इसके प्रोडक्ट के जो नेम है उस पे कोई कंडीशन देना चाहते हो तो यहाँ पे कस्टम कंडीशन दे सकते हैं। वैल्यू इसमें लेवल फिल्टर में सेम वही जो हमने कॉलम फिल्टर में बात की थी, लेकिन मुझे यहाँ पे वैल्यू फिल्टर मतलब कि इसके अंदर जो डेटा है तो डेटा कॉलम वाइज चले तो उसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए कि टॉप 10, मैंने टॉप 10 नहीं, मैं यहाँ पे टॉप 3 लगा देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे टॉप 3 प्रोडक्ट का लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगा। दिख गया, जो हाईएस्ट टॉप 3 है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये इस तरह से हम टॉप 3 का टोटल लगा सकते हैं। क्लियर है सर? सर सर एक एक क्वेरी है यहाँ पे। हाँ बोलिए। और जैसे मान के लिए आपने टॉप 3 लगाया, ठीक है, हम्म। तो आंध्रा का आपका आ गया, आंध्रा में अभी पीछे अरुणाचल प्रदेश आ गया, तो ये जितने भी स्टेट हैं उनका टॉप 3 दिखा रहा है या क्या दिखा रही है? नहीं, जितने भी स्टेट के प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पे नहीं देख रहा आप नहीं देख रहे कि भाई डीवीडी एमबी और सीडी सबसे हाईएस्ट सेल किया है, यहाँ पे एक तो ये रो बाई स्टेट चल लेवल रहा दिखा है। रहा है ना? अरे वो रो बाई चल रहा है, जैसे इसमें इसके प्रोडक्ट है ना, तो इसमें से हाईएस्ट हाँ, प्रोडक्ट ले ले लेके उसको दिखा रहे हैं। हाईएस्ट ये आंध्रा का, फिर नीचे जब अरुणाचल का, जैसे मान लो मैंने टॉप 3 लगाया तो जो टॉप 3 में होगा वो आंध्रा का जो टॉप 3 होगा वो दिखाएगा, अरुणाचल का जो टॉप 3 होगा वो दिखाएगा, राइट? राइट, हाँ ओके। ठीक है। अब बात करते हैं पेज फिल्टर का। तो पेज फिल्टर मुझे पूरी रिपोर्ट को अपने हिसाब से फिल्टर करना है, जिससे मुझे मान लीजिए मुझे सिटी वाइज फिल्ट्रेशन चाहिए या मुझे नेम वाइज चाहिए, तो मैं नेम को यहाँ पे उठा कर दिया, नेम वाइज रख दिया। आप ऊपर जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आ गया ऑल। इसमें मान लीजिए मुझे पूजा सेलेक्ट करनी है, तो हमने पूजा को सेलेक्ट कर दिया, तो सिर्फ अब मेरे पास जो डेटा आ रहा है सिर्फ पूजा का डेटा आ रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कंडीशन दे सकते हो, इसे मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे मैंने पूजा और कविता चाहिए, तो हमने पूजा और कविता को सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे आपको पूजा और कविता दिख रहा होगा। क्लियर सर? तो ये आपका पेज फिल्टर होता है, इसमें कई सारे फिल्टर भी लगा सकते हो। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और मान लीजिए मुझे यहाँ पे ये भी करना है, सिटी को भी रखना है, तो इसके अंदर सिटी ले लीजिए और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए अपना सिटी, भाई मुझे इसमें नोएडा चाहिए।
तो यहाँ पे पूजा और कविता का नोएडा का सेल आ जाएगा, नोएडा नहीं है उसमें तो नहीं आया। ठीक है, इसको और डिटेल में आप समझेंगे स्लाइसर में, जब आपको मैं स्लाइसर सिखाऊंगा तो स्लाइसर में समझेंगे। तो फिल्टरिंग समझ में आ गया अब। यस सर। जो ये फिल्टर में जैसे मान लो मैंने नेम और सिटी दोनों डाला, ठीक है, अब हम कॉलम में और इसमें रॉ में जो हम क्या कर रहे थे कि हम कस्टम फिल्टर यूज कर रहे थे, तो क्या हम इसमें नहीं, फिल्टर में भी कस्टम फिल्टर यूज इसमें कर सकते कस्टम फिल्टर नहीं है, इसमें फिक्स है। हैं? ओके ठीक है, और इसको पेज फिल्टर को और ज्यादा समझोगे किसमें, स्लाइसर्स में। नहीं, ठीक है, आगे बढ़े इसमें। हाँ सर। अब इसमें आगे आता है सर हमारा सॉर्टिंग का। हमने फिल्टर कर लिया, अब बात करते हैं सॉर्टिंग का। अगला टॉपिक है हमारा सॉर्टिंग, पिवट टेबल में कैसे सॉर्ट करेंगे। सॉर्टिंग के लिए कुछ नहीं करना है मुझे, अगर डेटा के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और यहां से शॉर्ट ए टू जेड या जेड टू ए कर दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट हो जाएगा। ए टू जेड तो है ऑलरेडी, मैं यहाँ पे जेड टू ए करता हूँ, लेकिन मुझे टोटल के अकॉर्डिंग चाहिए तो राइट क्लिक किया, मैं यहाँ से शॉर्ट कर दिया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो टोटल अकॉर्डिंग हो गया। मुझे एक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, मुझे मान लीजिए डीवीडी के अकॉर्डिंग चाहिए तो डीवीडी पे राइट क्लिक किया, शॉर्ट कर दिया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो ये उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से डेटा को आप शॉर्ट कर सकते हो। उसी तरह से मुझे कॉलम बाय टोटल चाहिए तो मैं इस पर राइट क्लिक कर सकता हूं और यहां से शॉर्ट कर सकता हूं, शॉर्ट ए टू जेड या जेड टू ए, ये आपका कॉलम के हिसाब से शॉर्ट हो जाएगा। तो शॉर्टिंग के लिए बस राइट क्लिक करना है, आपका शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक मूव होता है, मान लीजिए कि मुझे अपने हिसाब से शॉर्ट करना है, क्योंकि शॉर्ट अल्फाबेटिक पे हो रहा है, लेकिन मुझे अपने हिसाब से चाहिए कि भाई कौन सा पहले होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ डीवीडी सबसे टॉप पे होना चाहिए, तो मैं राइट क्लिक किया और यहाँ पे मूव आता है। मूव में मैं इसको यहाँ लेता हूँ और मूव डीवी टू बिगिनिंग पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर चला जाता है, या फिर ये मूव में और भी ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और मूव सिर्फ वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल भी होता है। जैसे मान लीजिए मैंने प्रोडक्ट को उठाया, प्रोडक्ट है ही, मैं नेम को उठाया कॉलम में रख दिया, और मुझे मान लीजिए कि पूजा पहले नहीं चाहिए, पूजा सबसे लास्ट में चाहिए, तो राइट क्लिक करके इसको भी आप मूव कर सकते हो, ये आपका मूव हो जाएगा। इस तरह से इसको आप मूव कर सकते हो। तो मूव समझ में आ गया। तो हमने हाँ सर इतने फिल्टर शॉर्टिंग एंड मूविंग तीन चीज समझ लिया, बेसिक चीजें हैं कि आप भी सर तुम इसमें, जान सकते हो। सर इसमें छोटी सी क्वेरी है, जो हम अभी मूव कर रहे थे और कॉलम लेवल पे या रो लेवल पे अगर मान लो हम मूव कर रहे, ठीक है, जैसे मान लो कि मुझे एक नीरज को मूव करना है, ठीक है, तो मैंने मूव कर दिया लास्ट में जहाँ पे ये करना है मुझे, लेकिन सर मान लो कि मुझे ज्यादा डेटा है और मुझे उसको मूव करना है, तो वन टू वन करना होगा या कोई ऐसा तरीका है कि मान लो वन टू वन ही जैसे करना होगा, ये है या फिर आप वन टू वन करना होगा। हाँ, वन टू वन कर सकते हैं, जो भी सिलेक्टेड होंगे उसको मूव कर सकते, सिलेक्ट कर लिया, अब मैं इसको अच्छा मूव कर सकता हूँ तो ये सारा आ जाएगा। अच्छा, लेकिन मूव का उतना खास यूज नहीं होता है सर, इस पर ध्यान नहीं दीजिए। अगला टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है उस पर ध्यान दीजिए, वो है ग्रुपिंग। ठीक है, बिछा रहा हूँ छोटी अच्छी तरीके से। ग्रुप, सॉरी सर, अब हम ग्रुपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रुपिंग, अब जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट हटा देता हूँ, मैं नेम रखता हूँ, हाँ नेम को मैंने यहाँ रखा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे पूजा हो गया और यहाँ पे आपका कविता हो गया, दोनों एक ही टीम में काम करती है, दोनों एक साथ काम करती है, तो मैं चाहता हूँ कि इनका इकट्ठा मुझे दिखना चाहिए,
ये दो अलग अलग दोस्त पर्सन नहीं है, बोल सकते सेम पर्सन होते हैं ना। मैंने एक टीम लीडर वाइज डेटा है, बट यहाँ पे टीम लीडर का नेम ना डल के उनके टीम के दोनों मेंबर्स का नाम डला हुआ है, बट मुझे टीम के अकॉर्डिंग चाहिए था, तो मुझे इन दोनों का टोटल इकट्ठा चाहिए। तो हम कंट्रोल करके इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ कर देंगे ग्रुप। तो ग्रुप करते यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका नेम टू आ गया ना। तो इस नेम टू, आप नेम को यहाँ से हटा दीजिए, नेम टू को रहने दीजिए, और यहाँ पे देखिए ग्रुप वन दिख रहा होगा। अब इसको रिनेम कर सकते हैं आप, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ पूजा एंड कविता एक साथ, ठीक है, क्लियर है। इस तरह से टेक्स्ट को ग्रुप कर सकते हो, लेकिन टेक्स्ट की ग्रुपिंग में जितना सिलेक्ट करोगे उतना ही कर सकते हो, एक से ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन मैनुअली सिलेक्शन पे करोगे। अब नंबर की ग्रुपिंग हुई, मान लीजिए कि मैंने इसको एक चार्ट और इसका एक और पिवट बनाता हूं मैं, और बनाने के बाद बात करते हैं कि मैंने सिलेक्ट कर लिया क्वांटिटी नहीं प्राइस, मान लीजिए क्वांटिटी को मैं टोटल में रखता हूं और मैं यहां पे अमाउंट को यहां रखता हूं। अमाउंट मेरा क्या है, एमआरपी है, नहीं नहीं क्वांटिटी रखता हूँ, हाँ क्वांटिटी रखा और यहाँ हमने क्वांटिटी का टोटल रखा। तो मेरे पास एक क्वांटिटी है, मतलब कि ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं मुझे भाई कितनी क्वांटिटी कितना प्रोडक्ट आया है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक एक सिंगल नहीं चाहिए, मुझे एक स्लैब चाहिए भाई, जीरो से लेके 20 वाले इतने हैं। क्योंकि मान लीजिए मैं एक पैकेज बनाना चाहता हूँ, अभी क्या ही करे सेल्स है, जितना भी सेल्स उतना मर्जी सेल्स को जाता है, बट आई वांट टू क्रिएट द पैकेज कि आप अगर 20 के और 20 तक का ऑर्डर दे, 20 के नीचे का ऑर्डर देते हैं तो आपको हम डिस्काउंट देंगे, 20 से 40 के बीच में कोई क्वांटिटी ऑर्डर देते हैं तो 20 देंगे। तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी अभी ज़्यादा सेल हो रही है, तो उस पर डिस्काउंट क्यों देना, ऐसी क्वांटिटी जो कि सेल नहीं हो रही है और क्वांटिटी हमारे लिए फायदेमंद है। जैसे मान लीजिए ना कि आपका 20 का पैकेट होता है, ठीक है ना, अब किसी ने 21 का ऑर्डर कर दिया तो फिर आपको दो पैकेट बनाना पड़ जाता है, दो पैकेट भेजना पड़ जाता है। मान लीजिए ट्रांसपोर्ट में आपको ट्रांसपोर्ट में आप माल भेजते हैं, किसी ने ऑर्डर आपको किया तो आपके पास क्या होता है कि आपके कार्टून के हिसाब से आपका चार्ज लगता है। अब मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता है तो आपका 20 पैकेट का एक कार्टून हो जाता है। अब किसी ने 25 ऑर्डर कर दिया तो फिर आपको मतलब कि दो कार्टून भेजना पड़ेगा, तो आपको ये देखना है क्योंकि दो कार्टून भेजने से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका डबल हो जाता है। तो आप ऐसा देखना चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि नहीं आप जो है 20 का ऑर्डर कीजिए, नहीं तो 40 का ऑर्डर कीजिए या 35-40 का ऑर्डर कीजिए। तो अगर आप 40 का ऑर्डर करते हैं, 20 का ऑर्डर करते हैं तो ठीक है, अगर आप 40 का ऑर्डर करते हैं, 30 से नीचे का ऑर्डर करते हैं तो आपको हम डिस्काउंट नहीं देंगे, 35 से ऊपर ऑर्डर करते हैं तो आपको हम डिस्काउंट देंगे क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में हमारा फायदा हो रहा है। समझ रहे की बात की नहीं सर? तो इस डेटा एनालिसिस के लिए मुझे पहले अपने एग्जिस्टिंग सेल को चेक करना पड़ेगा कि हमारी सेल ज्यादातर किस स्लैब में आ रही है। समझ में आया सर जयदीप जी? कि मैं पहले देख तो लूं कि किस स्लैब में है, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं उसकी क्वांटिटी करूं, पता चले कि हमारी 25 की सबसे ज्यादा सेल हो रही है, 25 क्वांटिटी सबसे ज्यादा सेल होता है और हम इसको बैन कर दे कि नहीं 25 नहीं करना है, तो जो लोग 20 ही सेल करेगा और 5 क्वांटिटी के तो लॉस हो गया ना हमारा। तो पहले हमें एग्जिस्टिंग सेल को देखना है, तो इसको स्लैब में करना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, इस पे राइट क्लिक और यहां पे जाऊंगा ग्रुप। ग्रुप करते हैं, यहाँ पे आपकी मिनिमम और आपका मैक्सिमम बाय डिफॉल्ट आ जाता है। मैं यहाँ पे 0 और अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ, इसे 100 कर दिया, और यहाँ ग्रुप बाय तो इसको भी मैं कर सकता हूँ। समझे? ओके, ये आ गया कि 0 से छोटा में इतना है, 10 से 19 में इतना है, 20 से 29 में इतना है, एक ग्रुप बन के आ गया। क्लियर है जयदीप जी? हाँ जी सर। डाउट इसमें? नहीं नहीं सर। आपको बीर सिंह जी? ठीक है,
अब एक आपके हमारे ग्रुप बन के आएंगे, इस तरह से नंबर्स पे ग्रुप बना सकते हो। तो हमने ग्रुपिंग में दो चीजें सीखी, एक टैक्स की ग्रुपिंग, एक नंबर की ग्रुपिंग। अब बात करते हैं डेट की ग्रुपिंग, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है बताता हूँ आपको। जैसे हमने यहाँ पे प्रोडक्ट को रखा, यहाँ पे क्वांटिटी को रखा, और चलिए मैं यहाँ नेम को भी रख देता हूँ। तो मेरा रिपोर्ट बन गया, मुझे इसको फिल्टर करना है, तो फिर डेट को हमने फिल्टर में रख दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस तरह से फिल्टर आ रहा है। अब मुझे मान लीजिए कि मुझे जनवरी का टोटल सेलेक्ट करना है, तो मुझे 30 पे जाके सेलेक्ट करना पड़ेगा। कॉलम समझ में आया? वीर सिंह जी और अमित जी, आज हाँ सर, आ रहे, कुछ पूछ नहीं रहे, क्या हो गया? नहीं नहीं सर, बराबर मेरे यहाँ सर बाजू में शादी है, तो शोर बहुत आ रहा है इसीलिए। अच्छा चलिए, बच्चे सबसे आगे चलने के लिए। हाँ हाँ ओके। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ पे तो ग्रुप नहीं कर सकता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल मैं प्रोडक्ट को हटा देता हूँ और डेट को रखता हूँ रो में। तो डेट रो में रखा, दिख गया डेट आ गया। तो इस डेट के ऊपर राइट क्लिक करता हूं और करता हूं ग्रुप। ग्रुप करते ही आप देख रहे हैं, आपको आ गया कि स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट आपके हिसाब से आ गया। यू कैन चेंज हियर, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते थे। फ्यूचर में आपको लगता है कि आपका डेटा बढ़ सकता है, घट सकता है, तो आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वार्टर, मंथली, जैसा ग्रुप करना चाहे। तो मैंने लिख लिया, एक से ज्यादा भी कर सकता हूँ, मंथ और क्वार्टर को सिलेक्ट कर लिया, ईयर को सिलेक्ट कर लिया, एंड ओके किया। ये आपकी क्वार्टर्स हो गई। अब मुझे इसको फिल्टर करना है। जैसे मैं चाहता हूँ क्वार्टरली फिल्टर हो या मंथली फिल्टर हो, तो आप यहाँ से डेट को उठा के रखिए यहाँ पे, ये यह आपका मंथली हो गया। आप देखिए, अब यहाँ पे फिल्टर में आपको मंथ दिख रहे होंगे। क्वार्टर ईयर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इसको हटा दीजिए। अब मुझे यहाँ पे वापस नेम ये लाना है, मुझे अपना प्रोडक्ट लाना है, तो प्रोडक्ट को मैंने यहाँ ला दिया। अब मैं यहाँ पे इजिली नेम वाइज फिल्टर कर सकता हूँ। इसका यूज हम लोग करते थे एक चीज और में, आवरली रिपोर्ट निकालने में। क्या होता था कि कॉल सेंटर की हमारी कॉल्स की डेटा आती थी, और उसकी कॉल्स की डेटा पे हम क्या करते थे, कॉल्स का डेटा आता था, तो कॉल्स के डेटा में क्या होता था कि हमें दिखाना होता था कि पर घंटे, क्योंकि हमें ये दिखना होता था कि हमारा मैन पावर कितना है और कॉल्स कितने आ रहे हैं, ताकि हमारा कॉल अवेंडेड ना हो। इनबाउंड कॉल सेंटर थे ना, कस्टमर केयर था, तो कस्टमर उसे हमें मैनेज करके रखना होता था कि कॉल्स का रेशियो क्या है और मेम्बर ऑफ टेलीकॉलर्स कितने हैं, ताकि हमें पर्याप्त मात्रा में रखें। पता चले कि रात में कॉल्स कम आते हैं और रात में हमने 3 टेलीकॉलर डाल दिए, और सुबह में कॉल ज़्यादा आते हैं तो टेलीकॉलर कम पड़ रहे हैं। तो हम इस तरह की आवर्ती रिपोर्ट निकाल के क्या करते थे, वो अपने शिफ्ट को रखते थे, बराबर रखते थे कि भाई नाइट में कॉल्स नहीं आ रहे, नाइट के बंदे को दिन में भेजो। तो हम उनकी चेंज करते थे, नाइट में एक बंदा रहेगा, दो बंदे आ जाएंगे दिन में। तो जिस पीरियड में कॉल्स कम आते थे, उसमें हम मेंटेन रखते थे कि हमारा स्टूडेंट, हमारा जो टेलीकॉलर है मेंटेन हो, ताकि कॉल छूटे नहीं और ज़रा वेटिंग में करना पड़े। और जहाँ पे ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं वहाँ पे हम ज़्यादा एम्प्लॉय रखेंगे, जहाँ पे कम आ रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉय रख के हम खामखा अपनी क्या बोलते हैं, मैन पावर वेस्ट क्यों करेंगे। तो इस केस में हम लोगों का जो रिपोर्ट आता था, इसी तरह से रिपोर्ट आता था, डेटा आता था कॉल्स का, वो हर सेकेंड्स का डेटा था। तो उनको हम लोग आवर में ग्रुप पिवट लगा के आवर में ग्रुप निकाल लेते थे, ताकि हमें नंबर ऑफ कॉल्स और बाकी एएसटी और एवरेज कॉल एंडिंग होल टाइम व्हेन डन वगैरह पूरा मुझे दिख जाता था। तो आप इसको ग्रुप कर सकते हो डेट को। तो डेट की ग्रुपिंग आ गई। सर जैसे डेट का ग्रुपिंग बताया आपने, जैसे मान लो कि मेरे पास जो डेटा है 1 जनवरी 2019 31 दिसंबर 2019, ठीक है, तो जो मैं जो डेट में ग्रुप में डालूंगा, तो पहले वाले में 1 जनवरी 2019 होगा और लास्ट वाले में 31 दिसंबर 2019। वो बाय डिफॉल्ट ले लेता है, लेकिन जैसे कि आप मान लीजिए आपको पूरे साल का डेटा रखना है और आपका डेटा
चलो तो आपका डेटा मान लो अभी दिसंबर, ये तो ये क्या बोलते हैं नवंबर तक है, अगले महीने दिसंबर तक का हो जाएगा, तो हर बार चेंज ना पड़े इसलिए आप फिक्स कर सकते हो, नहीं तो आप ऑटोमेटिक भी उठ सकते हैं। आपका डेटा फिक्स है कि भाई आप डेटा इसमें चेंज बढ़ने घटने वाला नहीं है, तो आपका फिक्स रहेगा। अच्छा एक बार जो जो आपने अभी ग्रुपिंग करा था उस सीट पे जाना था। बताता हूँ एक बार, देखिए क्या है कि जैसे मैंने डेट को उठा के यहाँ रखा, तो ये आप देखिए खुद ब खुद ग्रुप हो गया ना, एक बार ग्रुप करने के बाद नेक्स्ट टाइम में खुद ब खुद ग्रुप ले लेता है। आपका इस तरह का आ गया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्वांटिटी रख दी, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके जैसे ही ग्रुप करूंगा तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग और एंडिंग आ जाता है, समझ गए ना? कैसे आता है, इस डेटा का सबसे मिनिमम डेट और मैक्सिमम डेट उठा लेते, क्लियर है? लेकिन क्या है कि आप क्या अभी दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको कि ये 29 दिसंबर तक का ही है, 29 अक्टूबर तक का ही है, लेकिन मेरा डेटा दिसंबर तक जा सकता है, इसमें आगे चल के नए डेटा ऐड होंगे, कॉपी पेस्ट होगा नीचे, तो यहाँ पे आप 31 दिसंबर कर दीजिए या जो भी आपका मैक्सिमम डेट है, साल भर का है 2 साल का है, तो आप डेट डाल सकते हो, ताकि हर बार आपको डेट चेंज, क्योंकि अभी आपने यहाँ पे ले लिया तो कल के डेट में डेटा चेंज होगा, फिर 29 तक की फिर आपकी ना ग्रुपिंग रहेगी, तो उस केस में आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, लेकिन डेटा आपका फिक्स है, इसमें चेंज नहीं होने वाला है, तो उसमें फिक्स करने की जरूरत नहीं है। ओके ओके फाइन फाइन यस सर। तो ग्रुपिंग हमने समझ लिया, तो हमने पिवट टेबल की दो टॉपिक कवर कर लिए, तो भी मैंने कराया सर, एक बार जो डेली बेसिस में दो दिन में सर, एक बार जो ग्रुपिंग करी थी आपने सर, जो आपने ग्रुपिंग सीट 7 पे जाना, एक बार सीट 7 पे ऑल वाले पे उसको इसको डिलीट मत करो, और जो ग्रुपिंग करा आपने ऑल डेट का 7 अभी आपने 7 पे आपने 7 डिलीट कर दिया ना, वहां पे एक डेट आ रहा था ग्रुपिंग में, क्या हो रहा था बाकी तो सब मंथ आ रहे थे, वहां पे एक डेट आ रहा था लेस देन करके कुछ था, मैं क्या था वो अलग क्या, एक मिनट आपका आ जाता है कहां गया डेट, अभी तो बड़ा मन रहा है, मैं इसको एक्टिव करता हूँ, ये आपका आता है जो मंथ के साथ, हाँ वो डेट आ रहा है, हाँ इसके ऊपर एक डेट कभी कभी डेट आता है, और डेट क्या होता है ना, जैसे कि वो डाल देता है कि इस दो डेट का बीच में आपने ये देखिए इसमें क्या होगा, बताता हूँ आपको, मैं ग्रुप में जाता हूँ, जाइए मौसम जैसे यहाँ पे हमने मान लीजिए 2 तारीख दे दिया, ठीक है ये डेट आएगा, ठीक है, ये हुआ कि जैसे इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि आपने 2 फरवरी से स्टार्ट किया है ना, इसमें 2 फरवरी से 20 से भी पहले की डेटा है, तो उसने दे दिया 2 फरवरी से पहले की डेटा, ये आपको तब आएगा जैसे आपने 2 पीरियड आपने डेटा सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आपका डेटा जो आगे चल के अपडेट हुआ उसमें कुछ ऐसा डेटा आया जो इन दोनों पीरियड से पहले और बाद के हैं, तो पहले लेस देन या ग्रेटर देन लग जाएगा आपको। अच्छा तो फिर उसके बाद मैं चाहूँ तो इसको भी ग्रुप कर सकता हूँ, हाँ राइट क्लिक करके डेट चेंज कर दीजिए, ग्रुप में आ जाएगा। आपको इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो चीज है मैंने कराई है अभी, इसको मैं डेली क्लासेस में 2 दिन में कराता। चलिए तीसरा टॉपिक करते हैं कैलकुलेशन, तीसरी टॉपिक करके फिर हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे क्लास को, ठीक है? ओके सर। कैलकुलेशन अब इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जैसे हमने पिवट टेबल यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, एक सेकंड हमने यहाँ पे एक पिवट लगाया, अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कैलकुलेशन की जरूरत क्यों पड़ेगी, समझे?
देखिए कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है कि हमें पिवट के अंदर ही कैलकुलेट करना है। अब जैसे एग्जांपल में आपके प्रोडक्ट के यहाँ पे टोटल क्वांटिटी आ रहा है, अब मैं डेटा में जा रहा हूँ और डेटा के अंदर में मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कहाँ है हमारा, हाँ प्रोडक्ट, इसमें मैं प्रोडक्ट डालता हूँ, प्रोडक्ट क्वांटिटी, क्योंकि मुझे इसकी क्वांटिटी का 1000 चाहिए। काउंट ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी चाहिए ना, 1000 नहीं, मुझे यहाँ पे 5000 कहा, यहाँ पे मुझे 5000 चाहिए, मतलब कि मुझे एक प्रोडक्ट को एक पीरियड में 5000 क्वांटिटी सेल करने का टारगेट है, ठीक है। अब मुझे इस टारगेट को भी पिवट में ऐड करना है, अब यहाँ ऐड हुआ नहीं। अब एक चीज समझिए, अगर आपके पास कोई डेटा है उसको चेंज करते हो तो पिवट में रिफ्रेश करें, जैसे मान लीजिए 40 के जगह पे मैं यहाँ पे मान लीजिए 60 कर दिया या 60 कर दिया, तो ये डेटा आपका जस्ट रिफ्रेश करें, 1572 है ना, रिफ्रेश करते ही आपका यहाँ पे 1592 हो गया, लेकिन आपका वो प्रोडक्ट यहाँ पे टारगेट ऐड नहीं हुआ, क्योंकि टारगेट आपकी पिवट की रेंज की बाहर की रेंज है, क्योंकि पिवट लगाते समय जो रेंज सेलेक्ट किया था वो फिक्स था, वो ऑटोमेटेड बढ़ता नहीं है, तो वापस आपको पिवट को जाके रेंज को चेंज करना होगा, कहाँ से, पिवट टेबल के एनालिसिस में जाके चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करेंगे आप, और फिर यहाँ से पिवट को वापस रीसेलेक्ट करेंगे, रीसेलेक्ट, अब आपके यहाँ पे एक टारगेट आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस टारगेट के अकॉर्डिंग इसका परसेंटेज निकालना है, ये हाउ मेनी परसेंटेज विल बी कवर्ड, मतलब कि हर नंबर को 5000 से डिवाइड करना है। तो जनरली हम बाहर डिवाइड कर सकते थे, बट वो पिवट का पार्ट नहीं होता, मान लीजिए मैं यहाँ कर सकता था कि B4 डिवाइड बाई 5000 और मुझे यहाँ पे परसेंटेज आ जाता, बट प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर मैं फिर वापस मान लीजिए मैं एक बार क्वांटिटी को वॉल रखता हूँ यहाँ पे, तो फिर उसको रिमूव कर देता, समझे, तो यहाँ पे मुझे चाहिए टोटल, तो मैं क्या करूंगा कि कैलकुलेशन का इस्तेमाल करूंगा, जब इस पे डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे सम एवरेज काउंट सेलेक्ट करते हैं, उसी में आप सम को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ सो वैल्यू है जहां पे नो कैलकुलेशन डिफॉल्ट होता है, उस नो कैलकुलेशन को सिलेक्ट करें और यहाँ पे परसेंट, बहुत सारे कैलकुलेशन है इस पे देखते हैं परसेंटेज ऑफ, अब इस परसेंटेज ऑफ में मुझे प्रोडक्ट का टारगेट चाहिए, सिलेक्ट किया एंड ओके कर दिया, तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट का टारगेट यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिख रहा है, प्रोडक्ट का टारगेट दिख गया, इसने टारगेट से डिवाइड कर दिया, पता चल गया कि 51% वगैरह 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 सारा परसेंटेज आ गया। इसमें और भी कैलकुलेशन है वो कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एक आता है आपका परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल, मतलब कि टोटल 2092 से डिवाइड करना हो, उसमें कॉलम टोटल, रो की टोटल, पैरेंट टोटल, उसके बाद ऐसे ही आपका डिफरेंस फ्रॉम, भाई कितना डिफरेंस बच गया है टारगेट के बाद, तो अभी इसमें 2410 क्वांटिटी और सेल करने पे इसका टारगेट टूटता, ठीक है, ऐसे यहाँ पे और भी कैलकुलेशन, रनिंग टोटल समझते ना, क्यूमुलेटिव टोटल होता है वो, उसका परसेंटेज रैंक के हिसाब से, तो एक बार आप इस सब की कैलकुलेशन को देख लीजिएगा, जो कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगी वो मुझे अगली क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है सर, आप अपने हिसाब से इसको ट्राई कीजिएगा। तो ये थी हमारी आइटम का कैलकुलेशन था, मतलब कि जो आइटम है उसमें हमने कैलकुलेशन किया। अब बात करते हैं कैलकुलेशन बिटवीन फील्ड, जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है और इसी में मैं अमाउंट को रखता हूँ, अमाउंट इज एमआरपी, अमाउंट क्या है हमारा, एमआरपी है। अब मुझे ऐसा लगा कि मेरे डेटा में जो अमाउंट का टोटल है वो गड़बड़ है, ये टोटल दिख रहा है आपको, मान लो मुझे गड़बड़ लग रहा है, सो मैं या फिर टोटल मान लीजिए है ही नहीं,
तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पिवट में ही इन दोनों का आपस में टू टर्न करूँ ताकि मुझे यहाँ इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाए। तो इसके लिए एनालिसिस में जाएंगे, यहाँ आपके सामने पिवट टेबल एनालाइज में क्लिक कीजिए। यहाँ पे फील्ड लिस्ट, हाँ आइटम फील्ड सेट अलग चेंज हो गया थोड़ा सा। आइटम फील्ड सेट में जाइए, कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक कीजिए। अब मुझे मान लीजिए यहाँ पे देना है टोटल ग्रॉस टोटल, चाहे टोटल करता हूँ, टोटल नाम से ऑलरेडी फील्ड है तो ये देखिए नहीं ऐड हो रहा है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्राइसेस, ठीक है। और इसमें कौन कौन से कैलकुलेशन करना वो देख दीजिए। मुझे करना है कैलकुलेशंस बिटवीन अमाउंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, इंसर्ट किया एंड ऐड एंड ओके। क्यों है सम ऑफ प्राइस क्वांटिटी मल्टीप्लाई एमआरपी, आईएससी प्राइस अब देखिए चेंज करते हैं, मॉडिफाई कर सकते हो। इसमें टोटल ये क्यों आया, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, इसमें डेट लग रहा है, डेटा में प्रॉब्लम है। मुझे डेटा को उठा के एक नया सीट पर जाने दीजिए। इस पे मैं पिवट लगाता हूँ, इसमें मैं प्रोडक्ट डाल दिया, यहाँ पे मैं क्वांटिटी और अमाउंट डाल देता हूँ। अमाउंट नहीं डालना है क्वांटिटी, क्योंकि अमाउंट तो हमारा ये है ना, प्राइजेज है ना। फिर आइटम सेट कैलकुलेटेड फील्ड, यहाँ पे हम देते हैं और इसमें हम देते हैं आपका क्वांटिटी को सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल देते हैं, अमाउंट को लेते हैं, इंसर्ट करते हैं एंड ऐड करते हैं एंड ओके करते हैं। आ गया वहाँ पे जो नीचे टोटल इसका कस्टम लगा दिया था, ब्लैंक था या कोई टेक्स्ट रहा होगा, इस कारण से टोटल नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आ गया, मुझे इसका मान लीजिए जीएसटी निकालना है 18%, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं एनालिसिस में और यहाँ कैलकुलेटेड फील्ड में आपको जीएसटी, और मैंने बोला कि अभी देखिए जो हमने प्राइजेस दिया है वो प्राइजेस यहाँ दिख जाएगा आपको। यहाँ पे लास्ट में प्राइजेस इंसर्ट किया मल्टीप्लाई बाय 18% और यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हो ओके। यहाँ पे इसकी जीएसटी आ गई। तो इसी तरह से आप मल्टीप्लाई सबट्रैक्ट जो भी करना चाहो दो फील्ड के बीच में कर सकते हो, कुछ भी सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर इस्तेमाल यहाँ पे आप कर सकते हो। अब इसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्या इसमें सिर्फ हम फॉर्मूला लगाएंगे, मैथमेटिकल ऑपरेटर या फिर वर्कशीट फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, आप इसमें वर्कशीट फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा फिल आइटम सेट में कैलकुलेटेड फील्ड, और जैसे मैं यहाँ पे जीएसटी को मॉडिफाई कर रहा हूँ, जीएसटी मॉडिफाई आ गया यहाँ पे।
अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल राउंड, राउंड इसको राउंड करना चाहता हूँ, डेसिमल में आ रहा है, मैं इसको राउंड करना है, राउंड राउंड में मैंने बोल दिया यहाँ पे अमाउंट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी कॉमा जीरो। अब यहाँ पे देखिए मॉडिफाई हो गया आएगा, आ गया। तो ये तो राउंड का सिंपल फॉर्मूला था, क्या हम इसमें कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ जरूर, इसमें आप अपना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं एक बार और इस पे पिवट लगाता हूँ, इसमें मान लीजिए कि हमारे पास नेम है, हमने नेम को यहां रख दिया और यहां पे क्वांटिटी को रख दिया, क्वांटिटी का सम आ गया। अब क्या है कि हमारी कंपनी बोलती है कि कस्टमर को हम कुछ डिस्काउंट ऑफर, कैशबैक ऑफर करेंगे। तो कैशबैक ऑफर करने का यहां पे रूल है कि जिसने सेल 1000 मतलब कि 1000 से नीचे किया है उसको हम जो है मान लीजिए उसको हम जो है जितनी क्वांटिटी जितनी अमाउंट है उस अमाउंट का हम 10% देंगे, ठीक है, और 1500 वाले को मैं यहाँ 15% और 1500 से ऊपर वाले जो अमाउंट है उनको हम देंगे, नहीं माफ की सॉरी इसमें ये करता हूँ सिलेबस बनाता हूँ कि 1500 तक को 10%, 1500 से 3000 वाले को 20% और 3000 से ऊपर वाले को 25% देना चाहता हूं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कॉम्प्लिकेटेड को भी हम यहां पे लगा सकते हैं, तो इसके लिए जाएंगे हम आइटम कैलकुलेटेड फील्ड में और इसे मान लीजिए मैंने यहां पे दे दिया कैशबैक सीबी और यहाँ पे देता हूँ इफ, इफ इफ में हमने बोला इसमें टोटल टोटल इज लेस देन, नहीं टोटल नहीं, यहाँ पे क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी पे करना है ना, क्वांटिटी क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 1500 तो हमें टोटल का देना है 10%। फिर एक और इफ लगाता हूँ, इफ फिर बोलता हूँ क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 3000 देन टोटल मल्टीप्लाई बाय 20% अदरवाइज टोटल मल्टीप्लाई बाय 30%। और हमने दो इफ लगाए हैं तो दो ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एक्ट एंड आ गया सर। इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन आगे चलकर जब हम फॉर्मूला वाला सीखेंगे इसमें और ज्यादा कैलकुलेशन करने की तरीके हम आपको समझाएंगे। और दूसरी चीज ये तो हो गई, और दूसरी चीज में ये होगा कि मुझे पता लगाना है कि किसने क्या क्या कैलकुलेशन करके भेजा है, तो यहीं पे आप लिस्ट फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो सारी कैलकुलेशंस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ओके तो आज इतना ही रहने देते हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिए वरना सर के ऊपर से शुरू हो जाएगा।